हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो लास्ट वीडियो है उसमें आपने क्या सीखा था, ओम्स लॉ, आपको रेजिस्टेंस का पता चल गया। तो अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे पास लेंथ है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। जो लेंथ है, जब हम लेंथ को इनक्रीज करेंगे किसी भी वायर की, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हम किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेंथ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम एरिया यानी कि मोटाई है, जो कितना एरिया है उसका, वायर का कितना मोटा है, अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम एरिया को डिक्रीज कर दें और तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास रेजिस्टेंस के। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि नेचर कैसा है मटेरियल का, ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, यानी कि जो नेचर है वो मटेरियल का वो कैसा है। ये हमारे पास हो सकता है कि वो मटेरियल है, हो सकता है वो कंडक्टर हो, जो भी हमने वायर का मटेरियल लिया है। अगर हमारे पास जो हमने मटेरियल लिया है वो कंडक्टर है, तो जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी और जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज करेगा। अगर हमारे पास जो मटेरियल है वो कैसा है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर है अगर, तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज की तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। यानी ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंडक्टर है एंड इंसुलेटर। अगर हमारे पास कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। अगर इंसुलेटर है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो हमने क्या क्या देखा कि जो हमारे पास लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इससे हम क्या है, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जो इन सब की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, रो इंटू एल अपोन ए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपोन ए। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इसमें क्या देखा है, ए वायर हैड अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, यानी कि जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखी है हमें, 20 ओम। इट देन मेल्टेड एंड रिड्यूस टू 1/5 ऑफ इट्स, यानी कि 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो इसकी लेंथ है हमने स्टार्टिंग में कितनी मान ली, कितनी है एल, ठीक है। एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया वाज डबल्ड बाई विशु, यानी कि विशु ने क्या किया, जो इसकी लेंथ थी, ये हमारे पास ओरिजिनल वायर है, ठीक है, इसकी हमने जो लेंथ है वो कितनी ले ली, एल, और जो एरिया है वो कितना है, ए। तो क्या किया, मेल्ट कर दिया, और उसके बाद जो जो इसकी लेंथ है कितनी रिड्यूस्ड होगी, यानी कि कम होगी, कितनी, इसकी 1/5, यानी कि एल बाय 5 होगी जो हमारे पास न्यू लेंथ है, और जो एरिया है वो कितना कर दिया, डबल, यानी कि एरिया कितना हो गया, 2a। जो ये हमारे पास क्या, ये क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट वायर है उसका रेजिस्टेंस है, यानी कि R1 इक्वल्स टू 20 ओम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उसी का यूज करेंगे, R1 किसके इक्वल्स टू होगा, जब भी हमने ड्राइव किया था R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपोन होता है, तो इसको लिख देंगे हम R इक्वल्स टू रो इंटू में एल अपोन ए। अब R2 निकालेंगे, ठीक है, R2 का आपको पता ही है, R2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू रो इंटू एल अपोन ए। अब जो हमारे पास L थी, यानी कि जो लेंथ थी, कितनी कर दी थी, 1/5, तो सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, L बाय 5, और जो एरिया था हमारे पास कितना कर दिया, डबल, यानी कि 2a। अब इसको देखो, ये हमारे पास कितना हो जाएगी, 5 यहाँ पे नीचे आएगा, तो मल्टीप्लाई 1/10 इंटू रो इंटू एल अपोन ए, ये किसकी वैल्यू, R2 की। अब देखो जो ये है हमारे पास क्या है, R1 है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का 1/10 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/10। इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जो R1 कितना था, 20, क्योंकि ये हमारे पास कितना है, ये क्या है, R1 है। तो R2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है न्यू वायर का वो कितना आ गया हमारे पास, 2 ओम। अब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जो ये डायग्राम है इसमें हमारे पास ये क्या है, R1, R2,
R3, ये हमारे पास क्या है, कोई बैटरी पास क्या है, बैटरी है। तो इसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक सीरीज में। तो हमारे पास इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, R = R1 + R2 + R3। जो ये वाला हमारे पास है डायग्राम ही क्या दिखाता है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इन पैरेलल, जो हमारे पास है R1, ये है R2, ये है R3, और ये सिंपली हमारे पास वही बैटरी। तो जो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस होगा उसको हम कैसे शो करेंगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये जो सीरीज है इसमें तो हमने सिंपली रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दिया। जो पैरेलल है इसको हम कैसे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन इस डायग्राम को हम सेटअप करते हैं। और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आपको इस बात का पता है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में, और जो हमारे पास एमीटर है उसको हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने वोल्ट मीटर को क्या है, पैरेलल में जुड़ा हुआ दिखा रखा है, और जो एमीटर उसको सीरीज में। ये हमारे पास बैटरी है। अब हम देखते हैं जो रेजिस्टेंस है उसको हम सीरीज में दे रखा है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। इस डायग्राम में आप सिंपली देख सकते हो, जो हमारे पास ये क्या है, R1 रेजिस्टेंस, ये R2, और ये R3 की बैटरी है। इसको हम कैसे कैसे ऐड करेंगे वही हम इस एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि रेजिस्टर इन सीरीज, यानी कि सीरीज में जब रेजिस्टर होंगे हम रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको ओम लॉ से पता है V = IR होता है हमारे पास, जो इसमें करंट हमारे पास वो क्या है, I। अब देखो जो V1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 की करंट है वो सिंपली इक्वली फ्लो हो रहा है इसमें, जो करंट है। V2 हमारे पास क्या होगा, IR2, और जो V3 है वो क्या होगा, IR3। तो टोटल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या ले सकते हैं, V1 + V2 + V3, यानी कि V = V1 + V2 + V3। और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, V = IR1 + IR2 + IR3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस है जो वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है यानी कि R, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि R = R1 + R2 + R3। जो हमने लास्टली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखा था, हमने वही इसमें शो किया कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि R = R1 + R2 + R3। अब इसी रेजिस्टर इन सीरीज को हम एक अलग से एग्जांपल के साथ में समझते हैं, देखते हैं। अ सर्किट विद बैटरी ऑफ 8 वोल्ट एंड ए रजिस्टर ऑफ 4 ओम। इनकी एक बैटरी दे रखी है जिसमें हमें क्या देखा है, 8 वोल्ट का वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस कितना देखा है, 4 ओम। इट आल्सो हैव अ बल्ब विच हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, यानी कि एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज, किसने कनेक्ट करके हमें सीरीज में, तो उसका क्या निकालना हमें, करंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जिसमें सर्किट है इसका रेजिस्टेंस कितना रखा है, 4 ओम। जो बल्ब है ये किसका सिंबल, हमारे पास बल्ब का, तो जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। जो हमारे पास बैटरी है वो कितनी देर की है, 8 वोल्ट की। आपको पता ही है कि हमारे पास वी किसके इक्वल्स टू होता है, IR। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आपको दे रखा है कि जो हमारे पास जो ये डायग्राम है किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो रेजिस्टेंस आपको पता है किसके इक्वल होगा, R = R1 + R2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास 4 ओम है, ये हमारे पास 12 ओम है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास कितना आ गया, 16 ओम। अब देखो ये तो निकल गया, अब हमें निकालना क्या है, इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ का उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बैटरी की वैल्यू में देखिए 8 वोल्ट = करंट हमें निकालना है, और जो रेजिस्टेंस हमने अभी भी कैलकुलेट किया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आई है इसको हम, यानी कि करंट है, इसके सैंपल को यहाँ रख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 8/16, यानी कि 1/2 एम्पियर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि करंट किसके इक्वल्स टू आ गया हमारे पास है, 0.5 एम्पियर। इसी क्वेश्चन में बोल दे कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है वो ज्वाइन कर दिया है, और आपको है इसकी रीडिंग बतानी है कि वोल्ट मीटर है वो क्या रीडिंग शो करेगा। क्या बोल दे,
कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर और फाइंड द रीडिंग ऑफ ए वोल्टमीटर। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसके इक्वल टू रखे, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बिटवीन लेते हैं हम टू पॉइंट्स के, तो टोटल रेजिस्टेंस भी लेंगे हम जो हमारे जो टू पॉइंट्स हैं उनके बिटवीन का, और जो करंट है यानी कि करंट फ्लोइंग बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालना है उसको हम वी रख लेंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारे पास बल्ब है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था 12 ओम, बल्ब का रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। और जो करंट हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 0.5 एम्पियर, तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट कितना आ गया 6 वोल्ट। इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टर इन पैरेलल सीरीज में, हमने देखा और उसके एग्जांपल देखे, उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टर इन पैरेलल। आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यानी कि इसको हमने किसकी हेल्प से ड्रॉ किया था, ओम्स लॉ की हेल्प से, और जो ये डायग्राम हमें क्या शो करता है रेजिस्टर इन पैरेलल। अब इस सर्किट में देखो जो हमारे पास टोटल करंट है वो आई है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास जो करंट है उस यहाँ पे सब है, यहाँ से हमारे पास जो पैरेलल में करंट क्या होगा, यहाँ पे आई वन करंट है, आर वन रेजिस्टेंस, यहाँ पे आई टू करंट, आर टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे आई थ्री करंट और आर थ्री रेजिस्टेंस, ये हमारे पास बैटरी है। अब आपको पता है कि हम टोटल करंट को कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आई वन है जो हमारे पास क्या होगा, आई वन होगा वी वन अपॉन आर वन, इसको हम सिंपली भी लिख सकते हैं क्योंकि जो टोटल बैटरी हमारे पास क्या है वी है। जो आई टू है हमारे पास वो क्या होगा वी अपॉन आर टू, जो आई थ्री है हमारे पास वो क्या होगा वी अपॉन आर थ्री। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल करंट है उसकी इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास से टोटल करंट उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। और जो ये आई है ये हमारे पास क्या होगा वी अपॉन आर, जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास, यानी क्या लिख सकते हैं आई को वी अपॉन आर। अब देखो यहाँ से हमारे पास दोनों तरफ से क्या है वी कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इन पैरेलल, वन बाई आर इजिकल्स टू आर वन प्लस वन बाई आर, यानी कि वन बाई आर इजिकल्स टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री अप टू सो ओम, यानी कि जो पैरेलल में हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वन अपॉन आर इजिकल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री अप टू सो ओम। ऐसे हम क्या करेंगे पैरेलल में रेजिस्टेंस कैलकुलेट क्या करेंगे पैरेलल में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे आपको एक डायग्राम दे दिया, इसमें हमें क्या है दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं पैरेलल में जुड़े हुए, हमारे पास क्या है बैटरी है, यहाँ से हमें क्या करना है इसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस है जो हम पैरेलल में कैसे करते हैं, वन अपॉन आर वन इजिकल्स टू वन प्लस वन अपॉन आर इजिकल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, क्योंकि इसमें दो ही दे रखे हैं मेरे रजिस्टर, तो वन अपॉन आर किसके इक्वल्स टू हो जाएगा वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन नाइन। यहाँ से हम क्या लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम हमारे पास हो गया नाइन, तो यहाँ पर होगा हमारे पास थ्री प्लस वन यानी कि फोर अपॉन नाइन, वन अपॉन आर था। अब हमें निकालना क्या है आर, तो इसको क्या कर देंगे हम उल्ट देंगे इस वैल्यू को, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो क्या करेंगे इस वैल्यू को पलट देंगे, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इस जो सर्किट के लिए क्या आ गया 9/4 ओम। अब देखते हैं दूसरे सर्किट के लिए, अब इसमें हमें क्या है थ्री रजिस्टर दे रखे हैं, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर इजिकल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, वैल्यूज पुट कर देंगे वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 2, इसका एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम हमारे पास कितना होगा 12। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 6, हमारे पास टोटल कितना होगा ऊपर 9 अपॉन 12, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है 1 अपॉन आर की है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है रेजिस्टेंस की, तो इसको वैल्यू को पलट देंगे तो 12/9 ओम, ये हमारे पास क्या आ गई जो पैरेलल में है रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि कॉम्बिनेशन दे रखा है किसका सीरीज का और पैरेलल का, अगर वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया मतलब आपको ये जो जितना भी हमने आज किया है वो टोटली समझ में आ गया। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो ये सर्किट है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये सीरीज में दे रखे हैं, जो सीरीज में रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास कितना है 3 ओम, और ये हमारे पास कितना है 1 ओम। तो जो हमारे पास जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस है कितना होगा 3 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि कितना हो गया 4 ओम। अब देखो ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पैरेलल वाला कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल वाले का आपको पता ही है कैसे करेंगे, 1/R = 1/R1 यानी कि 4 ओम प्लस में ये हमारे पास कितना है टोटली 4 ओम, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4। अब देखो ये हमारे पास कितना हो गया 2/4 = 1/2। अब देखो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, वैल्यू को पलट देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 2 ओम। तो जो ये टोटल हमारे पास ये कितना आ गया 2 ओम। अब देखो ये हमारे पास टोटली क्या सीरीज में आ गया, हो गया ना हमारे पास जो क्वेश्चन है इजी। तो जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास कितना है 4 ओम प्लस ये कितना आता कैलकुलेशन के बाद 2 ओम प्लस ये कितना आ गया 5 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास ये कितना हो गया 11 ओम। अब तो क्वेश्चन है इजी, आपको जो बैटरी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 33 वोल्ट निकालना क्या है करंट। अब क्या है सिंपली इसको ओम्स लॉ में पुट कर दो। ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है V=IR, जो हमारे पास वोल्ट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 33 = करंट हमें निकालना है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है 11 ओम। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे, तो 33/11 यानी कि 3 एम्पियर। तो जो हमारे पास सर्किट दे रखा है उसमें करंट है वो कितना आया है 3 एम्पियर, यानी कि सर्किट में हमारे पास जो करंट है वो कितना आ गया 3 एम्पियर। अब देखो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया था, जो ये सीरीज में देखे इनको ऐड किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये पैरेलल में बन गई थी जो सर्किट, उससे हमने पैरेलल रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट की। फिर हमारे पास क्या है एक सीरीज में आ गई, इनकी वैल्यू कैलकुलेट की, तो यानी कि हमारे पास से क्या है टोटल रेजिस्टेंस आ गया था। टोटल रेजिस्टेंस को हमने क्या किया ओम्स लॉ है जो V=IR उसमें वैल्यू पुट की, और वहाँ से हमने क्या किया करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।